जैसे सुमित कुमार भी एन बी एच एम का दूसरा सोल्यूशन है क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है अभी तक मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं मिला है ओके तो अगर किसी बच्चे को ओरिजिनल क्वेश्चन मिल गया हो तो भेज सकते हैं और जब तक ये वीडियो अपलोड हो रहा है तब तो तक नहीं मिला है ओके अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं और चलिए देखते हैं तो जो भी क्वेश्चन मैंने लिखा है इसके बेसिस पे मैं ये आंसर दे रहा हूँ ठीक है ओके क्वेश्चन तो को समझते हैं और अपना उसमें कॉन्सेप्ट है उसको तो तो कैसे अप्रोच करना है उसके वगैरह में हम लोग डिटेल से बात करते yeah. so, yeah. we'll okay. so हैं एक आपके पास एक फंक्शन है arc, so, उसकी हेल्प से एक सिक्वेंस डिफाइन किया गया ए एन

एवन है ना ये सब चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए ए वन जीरो सो वन एफ एक्स का पावर फोर डी एक्स राइट दिस इज वन बाई फोर टेन का वैल्यू वन डालोगे तो ये नॉन नेगेटिव एफ एक्स नेगेटिव हो सकता था लेकिन इवन पावर कर दोगे तो इट्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू इज नॉन नेगेटिव उसका उन्हीं रेसिप्रोकल आप जो भी नंबर लोगे वन अपॉन दैट एंड इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव रियल नंबर सो इट्स अ नॉन नेगेटिव रियल So does it imply this limit exists or not? That's what they are asking. Okay? क्या होगा नहीं होगा और अगर इफ़ इट एग्जिस्ट राइट डाउन द वैल्यू पहले बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर limit नहीं exists कर रहा है आपको no बोलना है अगर exists कर रहा है तो क्या value है एक तो बार मैं फिर से बता देता हूँ हमारे पास given क्या है Just हमारे पास एक continuous function दी गई है और जो value आएगा f के टर्म में आएगा okay कैसा फंक्शन है कंटिन्यूस है और इसकी हेल्प से आपने एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करा क्या सीक्वेंस ये एफ एक्स का पावर फोर एंड मतलब देखिए ये कितना मतलब माफिरा फिरा के पूछता है ये क्वेश्चन एनी वे बस अब पूछा जा रहा है कि इस के बारे में आपका क्या बिहेवियर है इज इट कन्वर्जेंट इज इट डाइवर्जेंट इफ इट कन्वर्जेस इन इट गोस अगर लिमिट एल है तो लिमिट के बारे में क्या ख्याल है आपका राइट right? कैसे सोचा जाए आप फंक्शन अगर ले लें फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स ले लें ले ले आप जीरो तो एन जीरो आ गया तो जीरो की तरफ जा रहा है ए एन अगर आप ले लें लें फंक्शन फंक्शन ले ले आप 1, आपने ले लिया वन कॉन्स्टेंट फंक्शन वन अब तो एन तो का वैल्यू वन आ गया इंटीग्रेशन और ये वन की तरफ जा रहा है तो देख रहे हैं फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है वैल्यू एफ एक्स क्या डिफरेंट डिफरेंट एफेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आ रहे हैं क्या बताया जाए कैसे अप्रोच किया जाए राइट

वैसे हम लोग सोचें ठीक है देखो एक चीज आप लोग को पहली बात तो रिकॉल करना होगा कि ये सब चीज़ अगर आपने देखा होगा पहले भी पहली बात कोई भी को, कोई भी चीज़ आप देखो अगर कोई हाँ क्या बोला जाए आपको अगर कोई फंक्शन है अगर कोई फंक्शन है कोई भी आ, जिसको बोलते सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट अगर आपके पास कोई फंक्शन है राइट जैसे कि आप आर से ही ले लो हुँ? आर से ही किसी भी आर के बीच में है और किसी भी पॉइंट पे अगर इस फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट करती है दिस लिमिट एक्जिस्ट, आप कोई भी सीक्वेंस लोगे आर में जो सीक्वेंस पी पे, पे कन्वर्ज करती है इंप्लाई होगी जी ऑफ एक्शन विल कन्वर्ज टू ये जो लिमिट आ रही है एल

तो मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज गुड फॉर मैथमेटिक्स आल्सो ओके चीजें हैं अब यहाँ पर हम लोग इसको कैसे अप्रोच करें चलिए देखते हैं Here, एक चीज़ जो मैं यूज करना चाहूंगा सो दिस इज जस्ट सिंपल फैक्ट एंड इन फैक्ट यू प्रूव इट इफ जीरो वन टू आर दिस इज कंटिन्यूसन दिस लिमिट पावर पी एक्स पावर टू एक्चुअली सुप्रीम ऑफर क्या है ये? ये क्या है दिस इज नथिंग बट आप लोग को पता होगा दिस इज नथिंग बट सुप ऑफ एफेक्ट्स पहली बात ये मेक सेंस ऑन क्लोज इंटरवल बिकॉज़ फंक्शन आपका है क्लोज इंटरवल कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है कॉम्पैक्ट सेट में कॉम्पैक्ट फंक्शन टू रियल नंबर रियल फंक्शन अगर होते हैं डोमेन कॉम्पैक्ट है तो सुप्रीम करेक्ट ये सुप्रीम एक फाइनाइट नंबर है इसके बराबर होगा अगर सपोज ये हमने प्रूफ कर दिया सपोज ये हमने प्रूफ कर दिया मान लेते हैं कि ये चीज़ सही है आपको एग्जाम में याद था या जो भी चीजें हो होंगे कोई हमारे पास कंटीन्यूस फंक्शन है ध्यान दीजिएगा अगर हमारे पास कोई कंटीन्यूस फंक्शन है ये हमारा आठ जीरो क्लोज इंटरवल जीरो वन से आर के बीच में कंटिन्यूस है और ये लिमिट एस पी गोज़ टू इन्फिनिटी एफ एक्स का मॉडल का पावर पी का पावर वन पॉइंट पी लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू दिस अगर ये हमने प्रूफ कर दिया देन बाय सीक्वेंसर क्राइटेरिया अगर हम इन्फिनिटी की तरफ कोई भी सिक्वेंस जाए तो भी करेगा एग्जिट ऊपर अब उन्होंने प्रूव किया ना सिक्वेंसल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे जिधर भी आप जाते हैं तो है, कुछ भी इसको आप एज ए फंक्शन मान सकते हो ठीक है एड वैल्यू पी आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हो तो हाँ भैया जी आ, आ रहा है जीपी विल बी सम है जी इज वेल डिफाइंड राइट right? तो जैसे कि आपने डिफाइन कर लिया कि भैया जीपी मेरा ये फंक्शन का पावर पी मैं आपको तरीका दे रहा हूं this this well है, उसका पावर एनी पॉजिटिव नंबर पी पॉजिटिव ठीक है क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं so is, no, आप नहीं ले रहे नॉन नेगेटिव नंबर ले रहे हैं इनफैक्ट पी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो पी बहुत लार्ज है एनी anyway,

लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी जी ऑफ जियो फेन सुपरफ एन दैट इम्प्लाई अब अब कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी भी सीक्वेंस के लॉन्ग हम जाए तो भी लिमिट वही एग्जिस्ट करेगी राइट? सीक्वेंस राइटेंस क्रेटेरिया डेट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ओके लिए जानबूझ के यहाँ पर आपको फोर एन दे रखा है डीएक्स क्योंकि मॉडलेस हट गया करेक्ट इवन पावर आ गया ना सो दिस लिमिट दिस दिस लिमिट इज इक्वल टू सुप ये आपको लिखना था वहां पे क्लियर हुआ एवरी वन ठीक है क्योंकि यहाँ पे नोट और बोलेंगे सर वहां तो मॉडलेस था अरे यहाँ पे देख लो पावर ये पावर देख लो आप मॉड ऑफ इफेक्ट का पावर फोर एन लिखो या FX का पावर फोर एन वी कोई, uh, तो तो कोई पावर इवन है पावर ये माइनस रहा तो भी पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो भी सबसे में right? so तो लिया तो इसका आंसर जो था इसका लिमिट एग्जिस्ट दिस लिमिट इक्वल टू सुप्रीम ऑफ द ये आपको प्रूफ करना था, एक्षिस्ट था एक्षिस्ट 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 चलो इसको हम लोग को प्रूफ करने का जस्टिफाई करते हैं तो आंसर आ गया आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट में व्यू अगर आंसर की बातचीत है तो भाई साहब ये आपका आंसर है क्या आंसर है व्हाट इज द आंसर क्या है सुपर ऑफ एफ सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो से वन ये आपका सुप्रीम ये आपका आंसर तो लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू दिस बट अब थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं लेट्स लुक एट

To zero so. See, देने का मकसद है थोड़ा 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 सोचो यार सोचना मतलब ऐसे आप क्या ही आपको सा अपना भी इज्जत करना सीखो मैथमेटिक्स राइट दूसरे सोचते हैं अपने बारे में जाइए यहाँ पे लुक एट दिस थिंक केयरफुली चलो हम मैं जीरो से जैसे कि आपके Uh, इसी का मोर जनरल में देता हूँ तो 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 अपने सुप्रीम से छोटा है ना सब फंक्शन वैल्यू फॉर ऑल एक्स जो दो भी डोमेन रहे जीरो से वन रहे, ये भी रहे। तो इसका पावर पी लोगे तो ये भी पावर पी छोटा। तो छोटा निकाला उसका पावर फंक्शन यहाँ पे हमने एक फैक्ट्री और यूज करा एक्स अगर लेस देन इक्वल फंक्शन है ठीक है ये तो तरीका है आंसर तरीक आ चुका है मैं अब आंसर के पीछे नहीं जा रहा थोड़ा सा समझो क्या बेसिक चीज है और कितना आसान क्वेश्चन है अब मैं ये एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है आंसर आ गया है ठीक है लुक एट दिस अब उस ये हिसाब ये दोनों ही चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो आपको ये मिलेगा ठीक है ओके लुक एट टेक द पावर वन पॉइंट पी बोथ साइड अब ये कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर और जीरो से वन का इंटीग्रेशन वन पावर वन पॉइंट पी क्या गया ये सुपर फैफर इंफ्रैटी पावर पी डीएक्स होल टू पावर वन अपॉइन पी दिसन इक्वल टू फॉर ऑल पी ठीक है लेरुआ फॉर ऑल पी पॉजिटिव नंबर

तो एक आपको पता होगा जिसे आपने सीक्वेंस में पढ़ा होगा एन अगर आपको दिखाना है कोई भी सिक्वेंस कन्वर्जेंट आपको दिखाना है कि ए एन, एन का आपको दिखाना है कि एल पे कन्वर्जेंट हो तो आप ये दिखा दो भैया का है वो देन इक्वल टू एन है और जो लिमिम्प है ए एन का

तो डीपली थ्योरी में जाओ तो देखना मजा आएगा ठीक है क्वेश्चन नहीं बना एग्जाम में इट्स ओके लेकिन ये होना चाहिए आपका आप इससे क्या सीखे कि आने वाले जो आपके लाइफ है आने वाले जो आपके दिन हैं वो अच्छे बीते मैथमेटिक्स में भले वो फाइनेंशियली मेंटली uh, बहुत अच्छे दिन ना रहे मैथमेटिकली वो एटलीस्ट अच्छे रहे ताकि आप मैथ्स में कंफर्टेबल रहो तो जब आप मैथ्स में कंफर्टेबल यू विल बी कंफर्टेबल एवरीवेयर थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो अच्छा रहो एंड इफ यू थिंक यू नीड ए हेल्प यू नीड अ गाइडेंस वी आर विथ यू ओके ठीक है और आप तो नीचे मेल आई डी हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो ठीक है बाकी टेंशन मत लो पॉजिटिव रहो अच्छे रहो आपने अच्छा एग्जाम दिया है अपना जहाँ गलतियाँ आपने करी हैं उसको ध्यान रखो इस वजह से हुआ है और उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो राइट कैसे करेक्ट कर सकते हो ये भी आपको ध्यान देना है और बस इतना समझ लो कि चीज़ें आसान हो जाएगी बाकी आप खुद समझदार हो बाकी उसमें जो तो जरूरत होगा हम लोग हैं आपके साथ ओके ध्यान रखो अपने ओके टेक केयर बाय